नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में से 15 चैप्टर जिसका नाम है एरिया। उस चैप्टर में से एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1 हम देखेंगे। बट इससे पहले हमें यह फॉर्मूला याद होना जरूरी है जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। इस फॉर्मूला पर ही ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका फॉर्मूला जो है बेस इनटू हाइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम बोले तो बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट जो है वो दी है हमारे पास, हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर दी है। सो देन फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, खाली इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेस इनटू हाइट, बाकी कुछ नहीं, ओनली फॉर्मूला लिखने का बेस इनटू हाइट। सो बेस कितना है इसका, 18 सेंटीमीटर है तो बेस के जगह पे 18 लिखेंगे। इनटू हाइट कितनी है, 11 सेंटीमीटर है, हाइट के जगह पे 11 लिखेंगे। अभी क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 18 इनटू 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके लिए 18 इनटू 1 18, एक आया ऊपर, 18 1 जा 18 और एक 90, 190 स्क्वायर सेंटीमीटर, यह आया हमारा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसके लिए हमें यह फार्मूला याद रखना जरूरी है। बहुत ही इजी फार्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज़ इसके अंदर हमें क्या दिया है, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया दिया है, बोले तो ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 29.6 सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया दिया है। उसके बाद हमें क्या दिया है, एंड इट्स बेस, बेस जो दिया है बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है और हमें हाइट फाइंड करनी है अभी। ओके, इस क्वेश्चन में हमें हाइट निकालनी है। तो इसके लिए देखिए कौन सा फार्मूला यही यूज करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं ए कहता हूं, शॉर्टकट में लिखता हूं बिकॉज हमारे यहां जगह थोड़ी सी कम है और टाइम का भी लिमिट है वीडियो बनाने के लिए। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, एरिया कितना दिया है हमारे पास अभी फिलहाल, 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 29.6 इज इक्वल टू बेस जो है हमारे पास दिया है 8 सेंटीमीटर। सो 8 इनटू हाइट कितनी है हमारे पास, निकालनी है भाई हाइट मुझे, तो यहां h रखेंगे। अभी मुझे हाइट निकालनी है, 8 को यहां रख के कोई फायदा नहीं, 8 यहां मल्टीप्लाई है इक्वल टू sin के दूसरे बाजू में आया, डिवाइडेड बाय हो गया, 29.6 अपॉन 8 इज इक्वल टू h। तो हाइट कितनी आएगी मेरे पास, 29.6 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 3 जा 24, 9 में से 4 गए 5 और ये 0, ऊपर से आया 6 और ये जो पॉइंट है ऊपर गया। ओके, 8 7 जा 56, 56 में से 56 गए 0, सो कितना आया, 33.7 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ गिवन पैरेललोग्राम इज 3.7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में से थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसके तरह ही है। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, एरिया 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट दी है हमारे पास, हाइट h इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस, बेस हमें निकालना है। ओके, सो अभी क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, एरिया कितना है 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस नहीं मालूम और हाइट मालूम है 6.4। ओके, अभी हमें बेस निकालना है, 6.4 मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में आए डिवाइडेड बाय हो गए, 83.2 डिवाइडेड बाय 6.4 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये ऊपर और नीचे जो पॉइंट है उसे हमें पहले कैंसिल करना पड़ेगा, अगर ये पॉइंट को कैंसिल करते हैं तब हमें डिवाइड करना आसान हो सकता है। देखिए 832 करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, एक एक पॉइंट आगे जाएंगे, इसके लिए हमें 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 832 और नीचे 64 आंसर आएगा।
अभी ये दोनों नंबर है मेरे पास 832 एंड 64, मुझे तो 64 का टेबल नहीं आता, ओके? तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को 64 को मैं 8 से डिवाइड कर सकता है और 832 को भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं शायद हम। अगर मैं 832 को 8 से डिवाइड करता हूँ, देखिए 8 वन जा 8, 8 जीरो जीरो, 8 फोर जा 32 एंड 8 जा 64, h इज इक्वल टू 104 अपॉन 8। अभी मैं 8 से 104 को अगर डिवाइड करता हूँ, देखिए 8 वन जा 8, 10 माइनस 8, 10 में से 8 गया 2 आया, ऊपर से आया 4, 8 थ्री जा 24, सो कितना आया आंसर 30। सो हाइट जो है मेरे पास, हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ गिवन ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है। बट इसके लिए हमें खाली है एक फार्मूला जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ये फार्मूला हमें अच्छी तरह से याद चाहिए, ओके?